हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो डाइसेक्शन टेसे, ये सबसे कॉमन, सबसे पोटेंशियल और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर पेशेंट्स विथ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज। ये गोल्ड स्टार्टर ट्रीटमेंट है और कोई भी अच्छे क्लिनिक में माइक्रो टीसा करने के बाद में आपको तकरीबन 55-65% स्पर्म रिट्रीवल मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया में प्रीडोमिनेंटली टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन कम रहता है। तो ये जानना जरूरी है कि ये माइक्रो डिसेक्शन में ऐसा क्या खास बात है जो हम करते हैं। देखिए, माइक्रो डिसेक्शन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेस्टिस के ऊपर एकदम छोटा, आपका नाखून का साइज जितना, वेरी स्मॉल इंसिजन अराउंड 1-1.5 सेंटीमीटर का हम कट देते हैं। वो कट देने के बाद में हम एक बहुत बड़ा कैमरा लगाते हैं टेस्टिस से थोड़ा ऊपर, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, इसीलिए ये वर्ड है माइक्रो डिसेक्शन। माइक्रो क्यों? क्योंकि आप एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देख के ये सर्जरी करते हैं। ये होने के बाद में हमें अंदर से टेस्टिस कुछ ऐसा दिखता है। मैं अगर इसे मैग्निफाई करूं तो हमें टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखते हैं। मैंने आपको बताया था टेस्टिस एक फैक्ट्री जैसा है और ये फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोडक्शन लाइंस चलते रहते हैं। ये प्रोडक्शन लाइंस को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ऑलराइट, जैसे कि मैं ये रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं वैसे। बट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया में क्या होता है कि ये काफी सारे प्रोडक्शन लाइन डिफेक्टिव हो चुके रहते हैं। देखिए, मैं ब्लू कलर में कैसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ब्लैक कलर में कैसा फाइब्रोटिक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब एकदम सिकुड़ा हुआ। जो नॉर्मल ट्यूब्यूल रहता है ना, वो ऐसा रहता है, वो रेड कलर वाला रहता है, जो हेल्दी रहता है। ये ट्यूब्यूल को अगर मैं फर्दर मैग्निफाई करूंगा तो इस ट्यूब्यूल के अंदर, इस पाइपलाइन के अंदर, जो मैंने आपको समझाया था, सर्टोली सेल्स और उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। बराबर, अभी ये चीज, ये हेल्दी रीजन हमें ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए, माइक्रो डिसेक्शन की सर्जरी करने के लिए तकरीबन 1-2 घंटे लग सकते हैं। जब कभी भी हमें ये हेल्दी ट्यूब्यूल मिल जाता है तो इस ट्यूब्यूल को हम बहुत ही बारीकी से निकालते हैं बाहर और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद में उसके अंदर से आपको स्पर्म मिलेंगे। इस स्पर्म को हम आपके फीमेल पार्टनर के एग के साथ में फ्यूज कर देते हैं। ये फ्यूज करने की जो टेक्निक बोलती है, वो IVF में एक स्पेशल टेक्निक रहती है जिसको बोलते हैं ICSI। इसीलिए नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया में ट्रीटमेंट का नाम रहता है माइक्रो डिसेक्शन टेसे फॉलोड बाय ICSI। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमनली ये लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये स्पर्म मिलने ही वाला है तो कुछ ऐसा दवाई दे दो जिससे मेरा स्पर्म का प्रोडक्शन इतना बढ़ जाए कि स्पर्म का प्रोडक्शन उस लेवल तक होने का स्टार्ट हो जाए कि मुझे मेरे जीरो स्पर्म के जगह पे स्पर्म्स दिखने लगे। बहुत रेयरली हम थोड़े से इंजेक्शंस यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं HMG के इंजेक्शंस प्लस HCG के इंजेक्शंस प्लस माइनस, मतलब इसका कॉम्बिनेशन में एक टैबलेट जिसको हम बोलते हैं लेट्रोजोल। ये टैबलेट यूज करने से बहुत रेयर केसेस में, मतलब less than 5% केसेस में, हम ये टैबलेट्स के द्वारा जो ये स्पर्म प्रोडक्शन आपका यहाँ पे कम हो चुका है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। बट दिस इज इन less than 5% केसेस। जो रिमेनिंग 95% ऑफ द केसेस है, उस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ माइक्रो डिसेक्शन ही ट्रीटमेंट है। ये देख के, अगर आपको ये एक्चुअल देखना है तो हमारे YouTube पे इसी चीज के वीडियोज हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, माइक्रो डिसेक्शन होने के बाद में भले ही 1-2 घंटे का सर्जरी है, पेशेंट्स उसी दिन पे घर पे जा सकते हैं, पेशेंट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग से काम पे जा सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि टेस्टिस पे कुछ ऑपरेशन करवा दिया तो अभी 10 दिन आपको घर पे आराम करना पड़ेगा, बहुत पेन होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज एन एक्सट्रीमली सेफ सर्जरी। ये सर्जरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है। ये ही सर्जरी रेकमेंड किया जाता है हर पेशेंट को जिसमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया होता है। एवरेज स्पर्म रिट्रीवल रेट इज गोइंग टू बी अराउंड 55-65%।
काफी केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें स्पर्म रिट्रीवल कम रहता है और काफी केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें स्पर्म रिट्रीवल ज्यादा रहता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया होने के बावजूद। और अगर आप एवरेज देखेंगे तो अराउंड 55-65% रहता है। और फाइनली कंक्लूड करने के पहले, इन सारे पेशेंट्स का माइक्रोटीसा इक्सी करने के बाद जो सक्सेस रेट रहता है, मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट रहता है, इज गोइंग टू बी अराउंड 15-25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब काफी मेल पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट 2 या 3 बार करवाने की जरूरत पड़ सकती है और ये प्रोसीजर 2 या 3 करने के बाद भी एकदम सेफ रहता है। हमारे अगले वीडियो में हम माइक्रोटीसा करने के पहले या एजियोस्पर्मिया में वेरिकोसील सर्जरी का रोल क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको माइक्रोटीसा का फुल प्रोसीजर एक्चुअल बॉडी पे देखना है तो हमारे यूट्यूब के वीडियोज हैं जो आप खोल के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।